अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बकरों की थोड़ी अपडेट करते हैं और देखते हैं बकरे वगैरह कैसे हैं, और आज बछड़ों की भी हम अपडेट देंगे। और बाकी जो कमरा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट पर ही है। और पिछली जो वीडियो कही है उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा दूसरा सेटअप है उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा बछड़ों का जो था, तो बछड़ों की भी प्रोग्रेस देखते हैं और बकरों की प्रोग्रेस देखते हैं भाई क्या सीन चल रहा है, बकरे खाने पीने में क्या चल रहे हैं। अभी दाना डला ही है तो देखते हैं सारे बकरे खा रहे हैं या नहीं खा रहे, ठीक है। अच्छा जी, जो बड़े बकरों में देख लेते हैं सबको, अल्हम्दुलिल्लाह सब मसरूफ़ हैं। ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक जाने से थोड़ा सा बकरे डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने खाने से। अल्हम्दुलिल्लाह सभी खा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से डर के खड़ा हुआ है, अभी खाने लग जाएगा, अभी हाँ डर के खड़ा हुआ था। माशाल्लाह, तो कोने कोने से चलते हैं। सिराज भाई अपना बकरा देख लें, हमजा भाई दुम्बा देख लें अपना, माशाल्लाह फुल हाइट कर ली है इसने भी, और इसकी भी आपको हाइट का अंदाज़ा हो रहा होगा। बाकी सात भाई का दुम्बा जो, और बाकी अभी दो दुम्बे और आए, बहुत पुरानी हमने हमसे कमिटमेंट हुई हुई थी उनकी, और अल्लाह माफ़ करें हम खुद ही भूल गए थे कि कमिटमेंट की हुई है। तो उन्होंने फ़ोन करके उन्होंने बोला भाई मैंने ख़रीद ली है, आपको रखने ही पड़ेंगे। तो वो दुम्बे भी मैं दिखाता हूँ, लॉन्ग टेल्स में है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ भी चलते हैं। अभी उनको अलग बांधा हुआ है लेकिन उनको दिखाता हूँ मैं आपको, अपलोड अनलोडिंग की वीडियो भी है तो वो भी डाल दूँगा मैं इसमें। तो भाई हुनैस भाई कल देख के गए अपना बकरा दुम्बा, बाकी हमारा ब्रीडर, ये हमारे ब्रीडर खड़े हैं, ये मुनीब भाई का बकरा है, ये हमजा भाई का एक और बकरा है दुम्बा, माशाल्लाह से खुरलियाँ जो है ना ये लाते पड़ते हैं। बाकी ये डॉक्टर तारिक भाई, माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह दोबारा इनका मैं सोच रहा हूँ कि बड़े बकरों का कम से कम जो जितने बड़े कंपाउंड में उनका वेट कर लिया जाए, जिस दिन मानी होगा, आज मानी है नहीं, जिस दिन मानी होगा उस दिन हम लोग बकरों का मैं सोच रहा हूँ कि वेट कर लें, और उसी डेट को नेक्स्ट मंथ में यानी कि उसकी दोबारा से वेट करें तो हम बकरों की भी प्रोग्रेस देखते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बाकी ये इरफान भाई का दुम्बा वो है राजनपुरी, माशाल्लाह। मुनीब भाई, आसिफ भाई माशाल्लाह खाने पीने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, और लेकिन इसको लगता नहीं है, क्यों नहीं लगता ये इंशाल्लाह हम देख रहे हैं। और काफ़ी हद तक तो बेहतर हो चुका है, ये काफ़ी बेहतर है, यानी कि अब इसका पेट यानी कि निकलना शुरू होने लग गया है, काफ़ी जान में भी आ गया माशाल्लाह से। बाकी हम छोटे बकरों में चलते हैं उनके, देखते हैं उन्होंने निपटाया नहीं निपटाया। अच्छा जी, तो ये छोटे बकरे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, काफ़ी बेहतर हो चुका है। बाकी ये तो आपको पता है इसकी क्या हालत थी मुंडे की, और अब माशाल्लाह से बेहतरीन है, काफ़ी गंदा हुआ हुआ अभी तो फ़िलहाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। ये छोटे बच्चे भी थोड़े से कमज़ोर हुए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इनकी प्रोग्रेस माशाल्लाह से। बाकी ये देने वाली है बच्चे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये राजनपुरी के हवाले से बताता चलूँ, इसको कल ड्रिप लगी थी, आपको कल ही बताया था, तो इसको ड्रिप लगी है, लेकिन खाने पीने में अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, लेकिन कमज़ोरी है इसमें ना, तो वो किस बिना पर डॉक्टर ने लगाई है इसको, इसकी कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और खाना पीना तो कर रहा है काफ़ी टाइम से ही कर रहा है, खाना पीना इसने नहीं रोका लेकिन जान नहीं पकड़ रहा, तो ड्रिप लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला देखते हैं इसकी आगे प्रोग्रेस सेट होता है नहीं होता।
सर भाई ड्रॉप ख़त्म हो गई क्या? इसकी आँख में थोड़ा सा वो आ रहा है, इसमें ड्रॉप ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसमें लेकर आता हूँ मैं। चलें बकरियों की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो बकरियों की तरफ आ चुके हैं माशाल्लाह। बकरियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, ये बच्चा सेट हो के नहीं दे रहा बच्ची, ये खाती पीती भी है माशाल्लाह। इसको भी हमने डॉक्टर को दिखाया है कल, देखें बेहतरी होती है नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बकरियाँ सारी अल्हम्दुलिल्लाह खा रही हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। तो मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ, कमरे की क्या प्रोग्रेस है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ भी सेट है, तीनों कंपाउंड में अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर हैं सारे जानवर, और खाने पीने में एकदम यवन है। कुछ हैं जो कि पता है आप लोगों को भी, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, थोड़ी सी बीमारियां होती हैं सीज़न में, लेकिन हम काफ़ी हद तक हम लोग ने कंट्रोल इसमें रखा हुआ है, और काफ़ी हद तक हमारी क्या कहते हैं जानवर वो सिक्योर हैं हमारे फार्म पर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये दुम्बा दुम भी है माशाल्लाह। चलें आपको कमरे की प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये तो कमरा फिनिश हो चुका है बाहर से भी अंदर से भी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि विंडो हो गई और ये दरवाज़ा हो गया, बाकी अंदर से तकरीबन कंप्लीट पे ही है मामला। मैं इसको दूर से दिखाता हूँ, बाकी इधर प्लास्टर नहीं हुआ है अभी, यहाँ पे भी प्लास्टर हो जाएगा। लाइट का पॉइंट दे दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सोलर का जो सिस्टम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमने उस तरफ लगाया हुआ है चौपड़े पे। तो इसको अभी मेरे ख्याल है कि 2 से 3 दिन और लगेंगे बिल्कुल फिनिश होने में, तो देखते हैं इंशाल्लाह, फिर बनता है तो आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, अब बछड़ों की तरफ चलते हैं। बछड़ों से पहले मैं आप लोगों को क्या कहते हैं जो दुम्बे जो दो आए हैं वो दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से लॉन्ग टेल हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, असल में ये कर रहे हैं ये। चलो मैं देखता हूँ इनको मोशन कर रहे हैं ये, फिर इनको ट्रीटमेंट करते हैं अभी से। खैर अभी तो सफ़र से आए हैं तो इस वजह से भी हो सकता है, तो मोशन कर रहे हैं इनको। 1 से 2 हफ्ते तक यहीं रखेंगे हम लोग। माशाल्लाह अच्छे दुम्बे हैं, छोटे हैं लेकिन अच्छे दुम्बे हैं माशाल्लाह से, लॉन्ग टेल कहलाते हैं ये। बाकी ये आपने देखा हुआ तुर्की दुम्बा है, ये भी हमारे पास आया हुआ है, ये भी काफ़ी एक हफ़्ता हो चुका है इसको यहाँ बंधे हुए। बाकी ये भी हफ्ते भर यहाँ बंधेंगे, इनको वैक्सीनेशन प्रॉपर होगी तो ये हमारे जो जानवर हैं उसमें जाएंगे। तो ये हैं माशाल्लाह से, बाकी जानवर मैं आपको दिखा देता हूँ बड़े माशाल्लाह से। ये बड़े गर्म हुए हैं राजा भाई माशाल्लाह। प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, मज़ा तो वैसे वेट करने में आता है, आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि वेट करने में इनकी प्रोग्रेस पता चलती है। वैसे हम लोग बज़ाहिरन वीडियोस में देखते हैं, लेकिन वीडियोस में साफ सी बात है, कितने ही लोग कल भी आए, कल भी भाई ने बोला कि भाई जो यहाँ आके एक्सपीरियंस करके हमने जानवर देखे हैं ना आपके, वो वीडियो में इतना नहीं दिख रहे होते, यहाँ पर आके देखें तो माशाल्लाह बहुत डबल के करीब यानी कि जानवर लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वीडियो में देखने वाली बात अलग होती है और एक्चुअल में देखने वाली बात अलग होती है। माशाल्लाह इसने हाइट थोड़ी कर रहा है ये ना, चोलिस्तानी जो है हमारा राजू। बाकी नुकरा जो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, इसने भी अच्छा वेट गेन किया है इस दफ़ा। और ये तो माशाल्लाह, अब मैं इसकी हाइट नाप लेता हूँ कहाँ जा रहा है ये, थोड़ी सी इसने बढ़ाई है हाइट माशाल्लाह से। ये देखें, ये इसके करीब, इससे नीचे था, और ये भोला बोल रहा हूँ, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो इससे थोड़ा छोटा ही था, लेकिन ये अब इससे भी ऊपर निकलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भोला देख सकते हैं आप लोग, इसकी प्रोग्रेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। बाकी बछड़ियों की तरफ चलते हैं। आज परी इस तरफ बंधी हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह अब जो है ना गोले आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से, सीने बढ़ने शुरू हो गए हैं इनके अल्हम्दुलिल्लाह। ये मलाई माशाल्लाह। भाई थोड़े जानवर गंदे रहते हैं हमारे। ये ब्राउनी हमारी, ये ब्राउनी माशाल्लाह। बाकी ये ओरियो नाम इसका रख दिया गया है, मैंने शारिक भाई से पूछ के यानी के उनसे, उन्होंने बोला कि यार ओरियो ही सही लग रहा है। काफ़ी लोगों ने बोला ओरियो लग रही है। ज़ाहिर सी बात है अभी आई है तो अभी इसका देख सकते हैं आप, मगर हाइट में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी इसको कुछ दिन ही हुआ है आए हुए तो अभी इतना वनडे पे इसका जोर नहीं है खाने पर। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी माशाल्लाह से, खाने पीने में अच्छी है। बाकी ये मंटी और ये डॉक्टर साहब का माशाल्लाह से, इरफान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी गंदगी हो गई है इधर, अभी मिट्टी का कह दिया है, इंशाल्लाह ताला मिट्टी डल जाएगी इधर। बाकी ये दो जो 18 प्रो मैक्स जो आए थे हमारे पास, वो हैं दोनों माशाल्लाह से अच्छे कलर के हैं, अच्छे 2023, मेरा ख्याल है कि 2023 से भी ऊपर चले आएंगे ये ना, क्या पता हो जाए 2023 में लग जाए। बाकी ये गेना चले, इनके पास सड़ गया था, इनका भी थोड़ा सा वंडा बचा हुआ है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और क्या हम लोग, मैंने पूछा था लोगों से कि यार हम लोग अपने फार्म को बेहतर करने के लिए और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो हमें बताएं, क्योंकि जगह हमारे पास है और हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको और बेहतर कर सकते हैं, तो आप उसकी उसको उसका बताएं हमें। हाँ, प्लांटेशन का मुझे मैसेज आया था और कमेंट भी आया था नीचे कि प्लांटेशन करें, तो वो इरादा है इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग, ये कमरा बन जाता है तो इसके आसपास हम लोग थोड़ी सी प्लांटेशन ग्रीनरी करेंगे, ताकि जो लोग आएँ उनको थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट मिले और बैठने के लिए जगह मिले और कुर्सियाँ वगैरह इंशाल्लाह आ जाएंगी। अभी तो हम लोग चारपाई वगैरह पे बैठाते हैं लोगों को, लेकिन कुर्सियाँ वगैरह जब ये कमरा वगैरह बन जाएगा और दीवार वीवार लग जाएगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और प्लांटेशन भी हो जाएगी। बाकी कैबिनेट्स का किसी ने मुझे बोला था, वो अंदर मेरे ख्याल से उनको बोल रहे होंगे कि कैबिनेट्स रखो, क्योंकि काफ़ी हमारी दवाइयाँ जो है वो बाहर रखी हुई होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन भाई ने इसीलिए बोला होगा। तो इंशाल्लाह ये डब्बा जो है हमारा अंदर चला जाएगा तो महफूज हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी बारिश का मौसम भी चल ही रहा है, कह रहे हैं कि बारिश होगी और मौसम कराची का बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को आज की अपडेट पसंद आई होगी और मुझे बताएं और किस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। वैसे मैंने एक टॉपिक सोचा है, वो इंशाल्लाह जल्द आएगी वीडियो। ठीक है मेरे भाई, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।